वन दिस इज मी साथिया है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें, जो बातें आपकी सिचुएशन में आपके साथ मैच करती है, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से पेमेंट कर सकते हो, सो तभी मुझे रीच आउट करो। जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके लिए एक और पेमेंट मोड मैं लेके आई हूँ, जो कि है इजी पैसा। अगर आप इजी पैसा के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो और कर सकते हो, तो आप तब भी मुझे रीच आउट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स मेंशन करूँगी कि कौन सी रीडिंग पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसों में आप अवेल कर सकते हो। और मैं डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, सारी रीडिंग्स पेड हैं। अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि पाइसिस के लिए जुलाई का बाकी महीना कैसा रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड करेंगे। सो देखते हैं पाइसिस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेरर चैनल का लिंक भी ऐड करूँगी। अगर आप अगर आप चाहो तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड होगा, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर पाइसियंस। देखते हैं फिशेस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। थ्री ऑफ कप्स, पेयर ऑफ वेद, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस। आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक गुड न्यूज़ मिलेगी, जो कि जो गुड न्यूज़ जो होगी बेसिकली, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अगर लग रहा है अभी की सिचुएशन में जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज, आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ किस तरह चल रही है और किस तरह से आप चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट करेंगी, शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी जिसके बाद आपको लगेगा कि सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो अपनी जगह पे आना शुरू हो गई हैं। लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ, सारी चीज़ें, सारी आपके लाइफ के जितने भी एरियाज़ हैं, सारे एरियाज़ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी उस गुड न्यूज़ के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो गुड न्यूज़ आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, मिड हाफ जो होगा, लाइक 15 जुलाई से लेके। हो सकता है कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुकी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अभी आपकी लाइफ में आनी हो, क्योंकि ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 17 की रात को। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी ये गुड न्यूज़ रिसीव कर चुके हो, जिसके बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है। अगर ये एक रिलेशनशिप की, अगर मतलब कोई गुड न्यूज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो आपको या आपके पर्सन को आपको लेके एक क्लैरिटी आ गई हो, आपके कनेक्शन को लेके एक क्लैरिटी आ गई हो, जिसकी वजह से आप दोनों अपना रिलेशनशिप आगे लेके चलने के लिए रेडी हो गए दोनों। और अगर ऐसा कुछ है तो बेसिकली स्पेशली अगर वो लोग जो एक रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, या अपने पर्सन के एंड से एक उनकी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो भी एक गुड न्यूज़ हो सकती है कि आपको आपका पर्सन बताए कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है या करती हैं, और उसके बाद आपको उस गुड न्यूज़ से आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि फाइनली आपके सामने चीज़ें क्लियर हो गई हैं। स्पेशली जो लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही सिक्रेटिव है अपनी अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, कभी उसने शेयर नहीं किया आपसे अपने इमोशंस ओपनली, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपके आपके बारे में, या आपके बारे में जो वो फील करते हैं, या जो सोचते हैं इस कनेक्शन को लेके, शायद वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे, जिसके बाद आप एक दूसरे के साथ एक हैप्पी टाइम जो है वो सेलिब्रेट करोगे, जो कि ना सिर्फ आप उस इंसान के साथ शेयर करोगे, बल्कि आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बताओगे कि या तो वो आपको कमिट कर रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप उनके साथ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, या आप रिकनसाइल कर चुके हो। सो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट येस, आपको इस पूरी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिलेगा उन एफर्ट्स के लिए जो आपने इस रिलेशनशिप में डाले, उन सेक्रीफाइसेस के लिए जो कि आपको करना पड़े इस पूरी जर्नी में रहते हुए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जिसके बाद आपके लिए आसानियाँ
पैदा हो जाएंगी आपकी लाइफ में ओवरऑल, खाली लव लाइफ को लेके नहीं लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और रिस्पेक्ट ना सिर्फ इस इंसान की तरफ से बल्कि अदरवाइज भी आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। लोग आपको बहुत वैल्यू करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो सकता है कि वो फाइनेंशली आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, या उनका सोशल स्टेटस जो है वो आपसे हाई हो एज़ कम्पेयर टू योर ओन स्टेटस। उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू आपके मे बी रिश्तेदारों में या फिर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको एक एक रिस्पेक्टफुल निगाह से देखना शुरू कर देंगे, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना शुरू कर देंगे। तो वो भी एक चीज़ मुझे दिख रही है। और लेट्स टेक मोर कार्ड्स, दो कार्ड जोड़ लेंगे हम। नाइन ऑफ सोल्स, फिर अपर द टावर, अनि द रेक यू टू हैव क्वीन ऑफ सोल्स। एक और कार्ड हम लेंगे, द चैरियट, एक और फोर ऑफ सोल्स। जो ये एनर्जीज हैं उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है लेटर ऑन, और वो रीज़न इस सब का क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी खुशी को शेयर भी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह से, सबसे शेयर कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि फाइनली एक एक मूवमेंट फॉरवर्ड आपको नजर आया या आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन हो सकता है कुछ रीजंस की वजह से जो भी आपका पर्सन है वो फिर से एक दफ़ा आपको लगे कि वो शायद आपको फिर से इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं, जबकि इन एक्चुअलिटी आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में कोई नई स्टोरी बना के सिचुएशन को ख़राब नहीं करो। इंतज़ार करो उस इंसान का, उसके मैसेज का, ताकि वो आपसे क्लियरली बताए कि क्या हुआ था जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाए या आउट ऑफ टच रहे। कुछ ऐसा होगा उनकी लाइफ में जिससे भी आप डील कर रहे हो जिसकी वजह से थोड़ा आपके अंदर फिर से डाउट और फियर आना शुरू हो जाएगा, आ सकता है क्योंकि ये एनर्जी से भी आनी है। तो अगर आप चाहो तो अपने आप को इससे क्लियर रख सकते हो बाय थिंकिंग पॉजिटिव, और ये सोचते हुए कि जब आप ये अपनी दुआओं से हासिल कर सकते हो तो डेफिनेटली चीज़ें आगे बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप फिर से अपने फियर्स को अलाउ करो कि आपको फिर से वो तंग करें और आपको आपके माइंड में नेगेटिव ख्याल आएँ इस कनेक्शन को लेके या इस इंसान को लेके, या आपको लगने लग जाए कि फिर से इसने मुझे छोड़ दिया या फिर से गोस्ट आउट कर दिया मुझे अपनी लाइफ से, अगर आप ऐसा सोचने लगोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी और आप बनी बनाई बात जो है वो ख़राब कर दोगे अपने फियर्स की वजह से। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ भी, अगर आप मतलब सपोज आपने मैसेज किया उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो मेक श्योर कि आप इंतज़ार करो, वेट करो, पेशेंट रहो, बजाय इसके कि आप पैनिक करके चीज़ें जो है वो ख़राब कर लो अपने रिलेशनशिप के अंदर। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपकी पूरे बाकी महीने की एनर्जीज ऐसी खूबसूरत रहेंगी जहाँ पे आप फुलफिल फूल फील कर रहे होगे, इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली टू। आप बहुत सेटिस्फाइड होगे, बहुत पीसफुल रहोगे। लेकिन अगर आप इस तरह की एनर्जीज से अपने आप को दूर रख सको, अगर आप फियरफुल हो जाओगे और फिर से नेगेटिव सोचें आने दोगे अपने दिमाग में, तो आपके लिए मुश्किल आ सकती है अराउंड मे बी 20 से लेकर नॉट 20 मतलब आई थिंक लेट मे बी 23rd 24th 25th उस टाइम के बाद, मतलब 23rd से ऑनवर्ड अगर आप कह लो तो कुछ चीज़ें थोड़ी ऐसी होंगी जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन शायद फिर से अफेक्ट हो जाए, आप ज़्यादा बातचीत ना कर पाओ, लेकिन उसका रीज़न होगा एक। लेकिन रीज़न जाने बगैर अगर आप फाइट पिकअप करोगे तो गलत हो जाएगा आपके कनेक्शन के लिए। सो मेक श्योर कि आप किसी भी इस तरह की सिचुएशन में पेशेंस के साथ रहो, बुरी बुरे अल्फाज एक दूसरे को ना बोलो ना ही सोचो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अब आपको जस्ट जो शुरू में मिला है वही आपकी किस्मत में है, लेकिन आप उसको ख़राब करोगे अगर आप फियरफुल हो जाओगे फिर से। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ स्टेप ना लो, ना ही ऐसी कोई नेगेटिव बात सोचो। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। केमिस्ट्री, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी अगेन, लेकिन जहाँ पे केमिस्ट्री अच्छी होती है, जहाँ पे आप दोनों अच्छे से जलन करते हो, वहाँ पे ही आपके अंदर पोजेसिवनेस, बहुत पोजेसिवनेस का एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि दोनों एक तरह से एडिक्टेड होगी एक दूसरे को लेकर, लेकिन
यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, स्पेशली अराउंड द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट हाफ, जैसे जैसे मैंने कहा 23rd से लेके आगे कुछ दिन तक कुछ चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में थोड़ी यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन शायद इतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन अगेन आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि वो इंसान आपका है, आप ही उनके माइंड पे रहते हो। अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे लेके चलोगे कनेक्शन को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि डेफिनेटली कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास टाइम हो और वो आपको इग्नोर करें। अगर आप ऐसा पॉजिटिव सोच सकते हो तो आप इस नेगेटिविटी को इग्नोर कर पाओगे या एस्केप कर सकोगे और आप वो हासिल करोगे जो आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन में, इस इंसान के साथ। सो देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए, बाकी के महीने में क्या आने वाला है। यू इट कैन बी योर नेम इनिशियल, आपका नाम भी हो सकता है इससे, या आपके पर्सन का भी हो सकता है, हो सकता है उनके नाम में ये एक अल्फ़ाबेट आता हो। उसके अलावा कम्युनिकेशन, फिर से टेलीफोन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ज़्यादा इमोशनली होकर ज़्यादा अपने नेगेटिव यू नो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बेसिकली ओवर थिंकिंग को आपने अवॉइड करना है इस पूरे टाइम के अंदर, और तब ही आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकोगे अच्छे से। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अगर पेशेंट रह पाओ इस महीने के अंदर, तो आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और आप अगर इस फियर को इग्नोर कर पाए, इस फियर को आपने अपने ऊपर हावी ना होने दिया, तो आगे भी आप का कनेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग होगा। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैवल करना पड़े थोड़ा काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में। अगेन अगर आप उससे फियरफुल हो जाओगे कि ये तो अब जा रहा है या जा रही है, तो पता नहीं हमारे कनेक्शन का क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, अगर आप उस फियरफुल उसको लेके फियरफुल हो जाओगे, अगेन आपके लिए मुश्किल होगी। आपको ये नहीं सोचना कि वो आपसे दूर अगर चले जाएंगे तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे आप चाहते हो, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना और ना ही चीज़ों को अपने अगेंस्ट जाने देना है। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, आपके साथ मैच की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, तो आप रीच आउट कर सकते हो मुझे। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप इजी पैसे के थ्रू रीडिंग परचेज कर सकते हो। रीडिंग की प्राइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मैंशनड है, और मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। सो अगर आप विलिंग हो पे करने के लिए, तो तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।